आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान एक रेमेडी, एक टिप बताने जा रही हूँ कि आप अपने दांतों को सफ़ेद और चमकदार कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत ही थोड़ी मकदार में बहुत ही सस्ती चीज़ें चाहिए जो हर किचन में आसानी से मिल जाती हैं, वही चीज़ें। प्लीज़ मेरे चैनल को, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें प्लीज़। ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए नमक। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये आप लोग देख सकते हैं, नमक जो हम अपनी हांडी में डालते हैं ये वो नमक है सफ़ेद। उसके बाद हमें चाहिए मीठा सोडा, ये भी हर किचन में मौजूद होता है। उसके बाद हमें चाहिए लेमन जूस, ठीक है। बनाने का तरीका ये है कि आपने जब भी अपने दांतों को साफ़ करना है तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जितनी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उतनी क्वांटिटी में, ये तीनों चीज़ें आपने एक बाउल में, एक प्याले में मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद आपने अपने ब्रश पे लगा के, थोड़ी सी कड़वाहट करवाहट फील होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत बहुत ही चमकीले, सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा बना के रखनी भी नहीं है, ऐसे वेस्ट हो जाएगी। देखें, मैं बिल्कुल थोड़ी सी मकदार में बना रही हूँ, मैं खुद भी ये ट्राई यूज़ करती हूँ, आप लोग भी करके देखें, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये देख सकते हैं, मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है नमक। उसके बाद में हम लोग लेंगे हाफ़ टेबल स्पून लेंगे मीठा सोडा, हाफ़ से भी कम है तकरीबन, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इतना ही हमने लेना है लेमन जूस, ये देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर लेमन जूस डालेंगे, ये देखिए कैसे होगी, ऐसे ही आपकी दांतों की सारी मैल उतर जाएगी। ये देखें, ये एक पेस्ट की सूरत में आ गई है। अब इसको हम अपने ब्रश पे लगाएंगे और हम अपने दांत साफ़ करेंगे। दो मिनट के लिए ज़रूर करें इससे दांत साफ, देख लेना आप लोगों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक यू। बाकी आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आइंदा मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।